अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहिंदा किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन तहरी। लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने ये 2 मीडियम साइज की अनियन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, उसमें कुछ ग्रीन चिलीज ग्राइंड की हैं, कुछ ग्रीन चिलीज को स्लिट किया है और कोरिएंडर लीव्स, कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, एक बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, पेपर, 2 बे लीफ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 बिग साइज के टमाटो को ऐसे कट कर लिया है और 1 बिग अनियन को ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 500 ग्राम्स बासमती राइस को सोक कर लिया है तो हाफ एन आवर, और 1.250 ग्राम्स की चिकन ली है बोन, या आप इसमें बोनलेस भी यूज कर सकते हैं। अब एक कैसरोल में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से। अब मैंने जो फाइनली चॉप की थी अनियन वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, इसे हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है। अब प्याज का कलर चेंज होने लगा है, अब मैंने जो होल स्पाइसेस लिए थे मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब मैं बेलिक भी ऐड करूंगी इसमें, उसे भी अनियन के साथ फ्राई कर लेंगे। सब अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैंने इसमें चिकन ऐड की है, चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा इसका कलर चेंज होने तक, इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, उसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने जो अनियन पेस्ट बनाई थी वो मैंने ऐड की है और साथ ही साथ मैं सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया है और जितने ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटोज भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मसाले चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। फ्लेम हमें स्टेप पे हाई रखना है और बहुत थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे लिड लगा के गलने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्ट में हमें फ्लेम हाई रखना है और फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है इसके टेंडर होने तक। और अगर आप चाहें तो इसमें पोटैटोस भी ऐड कर सकते हैं और पीस भी, मैंने नए ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है। 8 to 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं, चिकन भी टेंडर हो गई होगी और वाटर भी रिड्यूस हो गया होगा और अब हम इसे भून लेंगे। देखिए वाटर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, अब हमें इसे अच्छे से भूनना है, इसके ऑयल सेपरेट होने तक हमें भूनना है ताकि मसाले की चिकन की फ्रेग्रेंस चली जाए। और बस अब मसाला हमारा भूनने पर आने लगा है तो इसमें मैंने चिलीज ऐड की हैं और कोरिएंडर लीव्स भी, इसे भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, ऑयल सेपरेट होने तक हमें भूनना है। और फ्रेंड्स, मटन तहरी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं, साइड में आपको उसकी लिंक फ्लैश करेगी। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी जो हमने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे। अब मैं इसमें 600 ml वाटर ऐड करूँगी, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और हमें इस टाइम पे फ्लेम को हाई रखना है और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो फिर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और ऐड किया है, इसे भी डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और फ्लेम को हाई रहने दूंगी और इसे लिड लगा के कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसे चेक कर लेते हैं, देखिए वाटर काफी रिड्यूस हो चुका है
अब इसे मैं एक हल्का सा मिक्स दूंगी और इसे अब हैवी वाटर तवा नीचे प्लेस करके इसे दम पे स्टीम में कुक करेंगे। मैंने हैवी वाटर तवा प्लेस कर दिया था और 5 मिनट्स हो गए हैं स्टीम आते हुए। एक इसे हल्का सा मिक्स देके और अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी और इसे हम स्टीम में कुक करेंगे फॉर 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स लो फ्लेम पे कुक करेंगे इसे। और फिर हमारी चिकन तहरी रेडी है डिश आउट के लिए। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनके रेडी हुई है हमारी चिकन तहरी। इसे मैंने कर्ड के साथ और रेड चटनी के साथ सर्व किया है। रेड चटनी के साथ ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगती है, जिसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जब आप ट्राई करें तो मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।